guys, welcome back to my channel. It's me, Gulguli Singh. So I hope you all are doing well. मैं बहुत अच्छी हूँ. Guys, हम हैं ब्रेस्ट एनलार्जमेंट जर्नी में 2 months से और हमें मिले हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स. But I know, बहुत सारी फीमेल्स हैं जिन्हें रिजल्ट नहीं मिला है. So don't worry guys, disappoint बिल्कुल नहीं होना. रीज़न मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी क्यों नहीं मिला और कब तक मिल जाएगा. ऑल्सो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये. तो गाइज, ये है ब्रेस्ट एनलार्जमेंट क्रीम जिससे होगी ब्रेस्ट ग्रो. और मैं आज आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ वो भी बताऊँगी डिटेल में, और इस क्रीम के कैसे रिजल्ट्स हैं वो भी. तो गाइज, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. And if you're new to this channel, please subscribe to my channel and like this video. Now let's start this video. Feel how you do and I love you too. Guys, video start karne se pehle main aapko ek disclaimer de rahi hu. Ye video sponsored video nahi hai. Ye mera personal selective product hai apne liye. Aur main aaj aapke sath share kar rahi hu uske 2 reasons hain. वो भी बता रही हूँ. वैसे मेरी जितनी स्पॉन्सर्ड वीडियो है गाइस, वो बिल्कुल 100% जेन्युइन है. अगर मुझे वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है तभी मैं शेयर करती हूँ, ट्रायल एंड टेस्टेड, अदरवाइज मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ. सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट. पॉइंट नंबर 1 गाइस, मेरे पास रीज़न सबसे बड़ा ये है गाइस. मेरे पास आ रहे थे बहुत सारे DMs एंड कॉमेंट्स यूट्यूब पे भी कि गुलगुली कोई ऐसा क्रीम बता दो स्पेसिफिक ब्रेस्ट के लिए जो उनको टोंड करे, लिफ्ट करे, ग्रो करे, और जिनकी सैगी ब्रेस्टेस हैं वो भी काफ़ी लिफ्ट हो जाएँ. और गाइस, काफ़ी सारी फीमेल्स के ये भी रीजंस थे कि वो एक ऐसी जगह पर रहती हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है, तो ऑयल यूज़ करना उनके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. लाइक साउथ में तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो वहाँ की गर्ल्स भी आई नो मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा देखती हैं, तो वो भी नहीं यूज़ कर पा रही हैं. ऑल्दो मेरी वीडियोस हिंदी में होती हैं, आई डोंट नो आप कैसे समझते हो, ट्रांसलेट कैसे करते हो, बट आई अप्रिशिएट यू गाइज. थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी दिस मच. गाइज, अगर आप सर्च कर रहे हो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट क्रीम, समझ नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूज हो कौन सा क्रीम आपको लेना चाहिए, तो यू कैन गो विद दिस क्रीम. नाम है कि ब्रेस्ट ग्रो क्रीम. सो गाइस, सबसे अच्छा जो मुझे इसका रिजल्ट मिला वो ये मिला कि जब मुझे यहाँ पे एक्ने हो गए थे तो उसके स्कार्स भी रह गए थे, और विद इन 15 days मेरे स्कार्स बहुत लाइट हुए हैं. आई शो यू, अभी भी मुझे एक छोटा सा पिंपल हो रहा है, वो यहाँ पे ये हो रहा है, आई होप आप देख पा रहे होंगे. तो गाइस, एक्चुअली ये जो क्रीम है इसके बारे में मैंने बहुत इंटरनेट पे रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि इसमें लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी अगर ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, पिगमेंटेड है, तो ये इसको लाइट भी बनाएगी और आपकी जो ब्रेस्ट है उन्हें बेबी सॉफ्ट भी बनाएगी. व्हाट आई एम डूइंग मैन, सॉरी. सो या, तो इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए मैंने डिसाइड किया आपके साथ शेयर करने के लिए. तो ये क्रीम अगर मुझे विद इन 1 month बहुत अच्छे से रिजल्ट्स देती है, लिफ्ट करती है मेरी ब्रेस्ट को, तो डेफिनेटली मैं एक और इसे परचेज करूँगी. सो गाइज, नाउ आई एम शोइंग यू नामियाज बर्स्ट पंपिंग क्रीम विच इज़ रियली रियली इफेक्टिव, एंड मुझे 15 days में ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिले लाइक एज़ कम्पेयर टू ऑयल. एंड येस, ये जो क्रीम है ये इसमें बहुत रिच इन्ग्रीडियंट्स हैं विच इम्प्रूव स्किन मॉइस्चर एंड टेक्स्चर. एंड या, इसका जो फॉर्मूला है इट्स नॉन ग्रीसी और ये लाइट टेक्स्चर्ड क्रीम है. आई जस्ट लव इट. इसका फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छा है. इसमें शिया बटर है विच रियली हेल्प्स टू इम्प्रूव स्किन हेल्थ एंड फ्रिमनेस, प्लस इट हैज़ एंटी एजिंग इफेक्ट्स दैट विजिबली स्मूथन एंड टाइटन द अपीयरेंस ऑफ द स्किन. एंड ऑल्सो अगर सैगी ब्रेस्टेज हैं तो वो भी इससे टाइट होंगी, टोन्ड होंगी. नाउ आई एम यूजिंग दिस मसाजो एंड जस्ट सी हाउ आई एम यूजिंग इट. जो क्रीम पे मैं यूज़ कर रही हूँ मसाजर, इससे इतने अच्छे से ब्रेस्ट टोंड हो रही हैं
मैं आपको हैंड पे लगा के दिखा रही हूँ, बट जब आप ब्रेस्ट पे लगा के करोगे ओ माई गॉड, आप डिफरेंस देखना ऑयल और क्रीम को यूज़ करने के बाद। एंड ये बहुत ही थोड़ी सी लगती है, अभी मैंने काफ़ी सारी लगाई हुई है, बट ट्रस्ट मी गाइज, आई रियली लव इट। एंड ऑल्सो इट्स फ्री ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एंड मेक्स इट सेफ एंड जेंटल फॉर ऑल काइंड ऑफ स्किन। आई लव इट, जस्ट लुक एट माई हैंड, इतना सॉफ्ट हो गया है और टेक्स्चर स्किन का बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। अगर आपका ब्रेस्ट थोड़ा सा पिगमेंटेड या डार्क है तो डेफिनेटली आपका स्किन बेबी सॉफ्ट होगा। सो मैंने अभी तक जितनी भी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट की क्रीम्स यूज़ की हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रेस्ट एनलार्जमेंट क्रीम, ट्रस्ट मी गाइज, यू शुड गिव अ ट्राई। गाइज वन थिंग, आपको रिजल्ट्स क्यों नहीं मिले हैं? रीज़न नंबर वन, अगर आपने मेरा ब्रेस्ट एनलार्जमेंट स्टोरी वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, अगर आप अंडर वेट हो और आपका बॉडी पे बिल्कुल भी फैट नहीं है, फैटी टिश्यूज नहीं है आपकी ब्रेस्ट पे, तो डेफिनेटली अगर आप ब्रेस्ट एनलार्जमेंट रूटीन को फॉलो कर रहे हो लेकिन आप अंडर वेट हो तो आपकी ब्रेस्ट ग्रो नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा बहुत रिजल्ट्स मिल सकता है, मैं डिनाई नहीं करूँगी कि कुछ इतना सा यू नो आप फॉलो करोगे तब भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको डिज़ायर, आपका जो गोल है वो आप यू नो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो मिल जाए तो वो आपको नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको पहले अपना वेट को कम से कम 50 या 52 ले आओ, उसके बाद ही आप उसको यू नो अपना ब्रेस्ट एनलार्जमेंट जर्नी को स्टार्ट करो या फिर साथ में भी स्टार्ट रखो, लेकिन एक्सपेक्टेशन इतनी हाई मत करो कि आप खुद ही डिसअपॉइंट हो जाओ। तो ये रीज़न नंबर वन हो सकता है आपकी ब्रेस्ट ना ग्रो होने का। नंबर टू रीज़न है कि आप सब कुछ ठीक से फॉलो ही नहीं कर रहे हो, कंसिस्टेंट होके नहीं फॉलो कर रहे हो, बीच बीच में ब्रेक कर देते हो, जिस तरह से मैंने आपके साथ शेयर किया है वो सब चीज़ें आप नहीं फॉलो कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप। आप सोचते हो कि सिर्फ और सिर्फ मसाज करने से आपका ब्रेस्ट ग्रो हो जाएगा तो डेफिनेटली नहीं होगा। अगर आप ये भी सोचते हो कि सिर्फ मेडिसिन लेके आपका ब्रेस्ट ग्रो हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं होगा। आपको प्रॉपर रिच प्रोटीन डाइट लेनी है, आपको हर एक चीज़ अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, पनीर इंक्लूड करना है, सोयाबीन इंक्लूड करना है, सोया चंक इंक्लूड करना है, सोया से बनी आप सारे प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, डेयरी प्रोडक्ट आपको लेने हैं, आपको ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, आपको फ्रूट्स खाने हैं, आपको बनाना शेक पीना है, जिससे आपकी बॉडी ग्रो तो हो तभी तो आपकी ब्रेस्ट ग्रो होगी। और ये सब चीज़ें मैं आपको वो बता रही हूँ जो बेसिक है, इस पर आपको वर्क करना ही होगा। एंड नंबर टू रीज़न, अगर आप सोचते हो कि आप मेडिसिन लेने के वन मंथ में ही आपको रिजल्ट्स मिल जाए जैसे सबको मिल रहे हैं, गाइस बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। मेडिसिन मैमरी ग्लैंड को यू नो बैलेंस करती है, ग्रो करती है, तो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को वन मंथ में रिजल्ट मिल गया तो आपको भी मिल जाएगा। मुझे भी शुरू में 6 मंथ लगे थे सब कुछ फॉलो करने के बाद, तो प्लीज़ फॉलो ईच एंड एवरीथिंग, डिसअपॉइंट मत हो, अपनी जर्नी किसी के साथ कंपेयर मत करो, बस आप उसमें कंसिस्टेंट रहो। सो यही है सोल्यूशन, विद इन 6 मंथ आपको रिजल्ट मिलेगा, बट मेक श्योर आपका वेट प्रॉपर होना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। और गाइज सबसे इंपॉर्टेंट, क्रीम का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके परचेज कर लेना और उसको यूज करना भी स्टार्ट कर देना। सो अब हम स्टार्ट करेंगे स्किन केयर जर्नी, डेट भी बता देती हूँ। गाइज हम स्टार्ट करेंगे 1st of May से स्किन केयर जर्नी, और मैं आपके साथ बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ रिलेटेड टू एवरी सिंगल थिंग, किस तरह से आप अपने स्किन को ब्राइट कर सकते हो, ग्लोइंग बना सकते हो, क्या क्या मैंने फॉलो किया है, एवरीथिंग। सो नाउ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आई होप आप भी होंगे। तो अप्रैल में हम लोग थोड़े से ऐसे वीडियोस में शेयर करना चाहती हूँ, लाइक हॉल वीडियोस। समर आ चुकी है, कुछ आउटफिट्स लिए हैं मैंने तो वो आपके साथ शेयर करूंगी, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और प्लीज़ फॉलो करना कंसिस्टेंट होके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द गाइज, आई लव यू, बाय।